लागत के आधार पर हमें मूल्य मिले। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में ना गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है और जो भी हमारा गन्ना मिलों पर डलता है उसका भुगतान 15 दिन के अंदर हो, उस पर GST 0 हो। किसान 18% GST है, बहुत दिक्कत में है किसान। हर चीज पे किसान के यूनिट पे हर किसी पे GST है। ज्यादा से ज्यादा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए, जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पे घूमते हैं। वो मैं मानती हूँ कि किसान के बेटे हैं, बट जो किसानों का हक है उसको भी तो दिलाना उनका हक है, फर्ज बनता है ना। सुअर सारा नाश कर देते फसल, बड़ी मुश्किल से तो होता है, उसके बाद भी हमें फसल की जो रकम है वो अच्छी नहीं मिलती, तो फायदा क्या फिर हमारे लिए। अपने खेती को उगा कर जो भी फसल उगाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, उसको सही कीमत नहीं मिलती उस चीज की। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन इतना हो चुका है, इतना हाई लेवल कर चुका है गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा वैकेंसी 4 साल में आरबी के आए वो भी अग्निपथ की तरह से आएंगे, 4 साल में वैकेंसी आई वो भी अग्निपथ वाली आई। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल 10 तक तस्वीर भारत। किस समय मौजूद है दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में, मेरे चारों ओर देख सकते हैं आप, आज देश की राजधानी में किसान इकट्ठा हुए हैं। सोचिए, किसान से वादा किया था सरकार ने कि MSP की गारंटी, लेकिन हमारे मोदी जी जो है माफ़ी मांग रहे थे किसानों से, किसानों की शहादत पे। 1 साल पूरा हो गया लेकिन किसान फिर आंदोलन के लिए दिल्ली की ओर आ रहे हैं। देख सकते हैं चारों ओर कि कैसे किसान जो है, भारतीय किसानों की असली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। महिलाएं भी आई हैं और तमाम राज्यों से लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। अब देख सकते हैं कि किसानों की हालत जिस देश में जैसी हो, उस देश की तरक्की पे हम कैसे बात कर सकते हैं, उस देश को हम विश्व गुरु कैसे बना सकते हैं जिस देश के किसान सड़कों पर हों। मेरे कैमरा पर्सन से अनुरोध करूँगी आगे चले और तस्वीरें दिखाएं किस तरीके से किसान यहाँ पर जो हैं वो देखिए। यही देश के एक्चुअल नागरिक है, किसान है तो हम हैं, लेकिन किसानों के लिए सिर्फ सरकार वादे करती है पॉलिसी में, लेकिन उनकी जो संज्ञान नहीं लेती है कोई। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग कैसे बैठे हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पे सरकार से नाराजगी है। महिलाएं भी यहाँ आई हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे कि कहाँ से महिलाएं आई हैं, क्यों आई हैं, वो किस तरीके से। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, महिलाएं यहाँ पर सो रही हैं, महिलाएं जो हैं आपको एक्चुअल तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर जो आराम कर रही हैं, बातचीत करेंगे। कहाँ से आई हो? बगली जिला। क्यों आई हो? रैली में। रैली में? रैली में आई हो? किस लिए? सब ले गए तो ये देखिए, अशिक्षित महिलाएं हैं, इनको ये भी नहीं पता कि ये क्यों आई हैं, लेकिन किसान गर्जना रैली है रामलीला ग्राउंड में, लोगों से बातचीत करेंगे। सर कहाँ से आए आप? हाँ जी सर, सरकार हमारा मुआवजा हमारी जो किसान की मांगे पूरी नहीं कर रही, इसका मतलब क्या? सरकार का गुलाम नहीं है, सरकार को बराबर तत्काल हक दिया जाए, नहीं तो हम सरकार के साथ नहीं रहेंगे। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे जैसे मान लो खादकारी है, उसमें गेहूँ है, चना है, जो है बाजार में धान का मूल्य पूरा पैसा नहीं आ रहा, तो बताओ क्या खाएंगे? फल नहीं मिले, देख लो, खाने पीने में कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम क्या खाएंगे? राज्य सरकार अपनी मनमानी कर रही है, मोदी जी अपनी मनमानी कर रहे हैं, ये देख लो आप, ये करो। मैं आप, मैम कहाँ से आई आप? मैं मेरठ प्रांत से आई हूँ, मेरठ प्रांत महिला प्रमुख। क्यों आई है? मतलब यहाँ पे तमाम राज्यों से किसान एकजुट हुए, क्या मांगे? हमारी 5 सूत्रीय मांग है, एक तो लाभकारी मूल्य, लागत के आधार पर हमें मूल्य मिले। दूसरा, हमारे उत्तर प्रदेश में ना गन्ने का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है और जो भी हमारा गन्ना मिलों पर डलता है उसका भुगतान 15 दिन के अंदर हो। और एक हमारे उसमें उत्तर प्रदेश में अनाश्रित पशुओं की बहुत बड़ी समस्या है, वो आए दिन उनसे दुर्घटनाएं होती हैं, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को, वो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी हैं, वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब कहने की बात है, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन काम अभी नहीं हो रहा है। और सरकार से इतनी बड़ी रैली का जो आयोजन किया है हमने, इसी वजह से किया है कि सिर्फ आश्वासन है, अभी कार्य नहीं हुए हैं। गन्ना मिलों में तो इतना सारा भुगतान अभी पिछले बकाया भी अभी किसानों को नहीं मिला और किसानों के इतनी परेशानियां हो रही हैं, उसी की वजह से रैली की। पशुओं की बात की, पशुओं की हत्या हो रही है, जगह जगह गौशाला खोल रहे हैं योगी जी, लेकिन उनमें सभी पशु नहीं आ पा रहे हैं, अभी भी और जरूरतें हैं। ज्यादा से ज्यादा पशुओं के लिए गौशाला बनाई जाए, जब उनको खाना नहीं मिलेगा तो वो सड़कों पे घूमते हैं।
उनको छोड़ दिया जाता है। तो हमारी किसान संघ की मांग है कि उन पशुओं को हमारे संघ से मिलकर व्यवस्था की जाए ताकि हम उन पशुओं की देखभाल करें। इससे जो है किसान संघ के जो कार्यकर्ता है उनको रोजगार मिल जाएगा। देखिए कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करें। कहाँ से आए हैं सर? धौलपुर से। क्यों आए हैं? पैसा देकर बुलाए हैं क्या आपको? नहीं, मैं बोलता हूँ। इनको पैसे देकर बुलाए हैं क्या? नहीं, पैसे देके क्यों बुलाए? फिर बोलिए। गौशाला के लिए बुलाए हैं। रोजगार के लिए आए हैं? हाँ। कैसा रोजगार? आत्मनिर्भर बनिए। परेशान है। क्या परेशानी है? पानी से। किसके पानी से? किसान है, पानी से परेशान है। मतलब पानी की जरूरत, पानी की मांग को? पानी की मांग के लिए। पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हो? नहीं, पढ़ाई नहीं, किसान है। फिर भी नहीं बोलोगे आप? नहीं बोल पा रहे हैं तभी तो। क्या बोल रहे थे? मैं ये बोलना चाहता हूँ कोई हमारे नदियों से नदियाँ जुड़ जाए और हमारे खेती से जो माल कमाते हैं वो कम पैसे से बिकते हैं और हमारे बचते नहीं, कोई पैसे तो बचते नहीं है उसे। कम माल से कम रेट से पैसे लेते हैं उसको माल को। सरकार से वाकई में परेशान है? हाँ, सरकार से परेशान है। सरकार तो कह रही है फ्री राशन दे रही है आपको, फ्री सब कुछ दे रही है। वादा किया जो पूरा नहीं किया ना, जो 2000 रुपये से क्या होता है, 2000 रुपये से होता है क्या है? और वो पहले कहा था कि भाई हमने दुगुना कर देंगे इसकी रेट। जो इसमें सरकार आएगी फिर से करेंगे ना? पहले कहा था ना तो हम कर देंगे दुगुना, आपके माल को दुगुना कर देंगे, रेट दुगुनी कर देंगे। नहीं की रेट नहीं किया है चीजों का? नहीं कहा ना पहले, अभी नहीं किया। देखिए सरकार से काफी नाराज है किसान। सर आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से राहुल भारद्वाज, युवा जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ। आप तो योगी जी की धरती से आए, आप तो राम राज्य से आए, फिर भी परेशान है आप? परेशान नहीं है, सरकार से हमारी मुख्य तीन मांगे हैं, तीन चार मांगे। एक ये है किसान जो अपना अनाज उगाता है उसका लाभकारी मूल्य मिले, उसका लाभकारी मूल्य मिले। दूसरा, जितने भी किसान इनपुट खरीदता है उस पर GST जीरो हो। किसान 18% GST है, बहुत दिक्कत में है किसान। हर चीज़ पे किसान के यूनिट पे हर किसी पे GST है। किसान सम्मान निधि को बढ़ाया जाए और जो पराली जलाते हैं उस पर जो मुकदमे हुए हैं किसानों के, उस पर जो वो है उसको रोक को हटाई जाए। जो रोक है किसान अपनी नई फसल के लिए कुछ पराली जरासी भी जलाता है तो उस पर मुकदमे कायम हो जाते हैं। किसान जमीनी स्तर पर इतना परेशान हो जाता है, वो कभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है, कभी खाने का, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है उसे। हमारी मुख्य तीन मांगे हैं और भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक अनुसांगिक संगठन है। हम कोई अवैध कार्य, कोई गलत ऐसा कोई नहीं करते और भारतीय किसान संघ का कोई सदस्य, कोई पदाधिकारी ऐसा कोई गलत कार्य नहीं करता। तो देखिए तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान एकजुट हुए हैं। हम आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहते हैं। किसान सिंगू बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, वहाँ पर एक साल से ज़्यादा लोग सड़कों पर बैठे थे। आगे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। महिलाएं भी यहाँ आई हैं, महिलाओं से बातचीत करेंगे और मीडिया के खिलाफ लोगों का गुस्सा है, मीडिया से काफ़ी लोग नाराज़ हैं। आप देख सकते हैं महिलाएं भी आई हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि कहाँ से आई हैं वो। मैम कहाँ से आई हैं आप? उत्तराखंड से। क्यों आई हैं? आपने हक के लिए, किसान लोगों के लिए, जो हमारा हक है उसे मांगने के लिए आए हैं। कौन सा हक? जो किसान लोग हम खेती बाड़ी करते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स उगाते हैं, उनकी सही कीमत नहीं मिलती है, तो उसके लिए हम भी यहाँ पर आए। अपनी उत्तराखंड से आई हैं आप, तो देवभूमि से आई हैं, तो किस चक्कर में पड़ रही हैं आप? हिस्सेदारी मांग रही हैं, सरकार से मांग कर रही हैं, मंदिर बन के खुश रही है देवभूमि पे। ये हम लोग नहीं आएंगे आगे तो फिर कौन आएगा? हम लोग नहीं आएंगे तो लड़ाई कौन लड़ेगा? मोदी जी तो कह रहे हैं हमने अच्छा काम किया है। मोदी जी तो खुद किसानों के बेटे हैं। वो मैं मानती हूँ कि किसान के बेटे हैं, बट जो किसानों का हक है उसको भी तो दिलाना उनका हक है, फर्ज बनता है ना। तो वो फर्ज बनता है ना, तो उनको हक दिलाना जरूरी है। इतनी मेहनत करते हैं, वो कीमत नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हम लोगों को ही आगे बढ़ना पड़ेगा किसान लोगों को। ठीक है, लागत नहीं मिल पा रही है। आप एक महिला है, घर भी चलाती हैं, खेती भी देखती हैं, कैसी समस्याएं आती हैं आपके सामने?
वो खेती बाड़ी भी करती है, बहुत सारी महिलाएं जो खुद अकेली खेती करती है, खेती पे निर्भर है, अपने खेती को उगा कर जो भी फसल उगाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, उसको सही कीमत नहीं मिलती उस चीज़ की जो इतना मेहनत करती है। वैसे तो पूरा उत्तराखंड में इतने सारे पहाड़ी क्षेत्र में देख लो आप लोग, कितना किसान मेहनत करते हैं, उसको उसका उतना वो नहीं मिल पाता है जितना उसको चाहिए होता है। कुछ लोग नाराज है कि अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहते हैं, कि आपकी भी ऐसी समस्या है? नहीं, हमारी समस्या कि आप अपने बच्चों को किसान नहीं बनाना चाहती हैं? नहीं, किसान बनाना चाहते हैं, किसान भी बने, पर वो ऐसे हैं अभी जैसे खेती में है, खेती में निर्भर नहीं रहना चाहिए। खेती से रिलेटेड जैसे हमारा मशरूम उत्पादन है, वेजिटेबल्स है, उसमें भी ऐसी रही तो कौन बनाना चाहेगा? क्या कह रहे हैं? स्थिति ऐसी रही तो कौन बनाना चाहेगा किसान अपने बच्चों को, बताओ? स्थिति खराब है, स्थिति खराब है क्या? तो है, मोदी जी ने तो सबको आत्मनिर्भर बना दिया। आप बताओ ना, हम लोगों के यहाँ तो सुअर लग जाते हैं खेत में ना, सुअर सारा नाश कर देते फसल, बड़ी मुश्किल से तो होता है, उसके बाद भी हमें फसल की जो रकम है वो अच्छी नहीं मिलती, तो फायदा क्या फिर हमारे लिए? हम इतनी मेहनत करते हैं ना, जिस हिसाब से हमें फल तो मिलता नहीं, सुअर भी वो फाड़ देते हैं, तो बताओ फिर हम अपने बच्चों को क्यों बनाएंगे? किसान घर का खर्चा कैसे चलाती है? खेती से हो जाता है गुजारा, करते हैं, थोड़ी बहुत मजदूरी भी कर लेते हैं ना, वो आता ना मनरेगा का, उस समय की कर लेते हैं, पर बट जो लागत हमारी खेती का है वो तो नहीं मिलता ना। अच्छा, 15-15 लाख रुपए आए कि नहीं आए? पंद्रह लाख के सपने दिखाए गए, सपना दिखाया जा रहा है। देखिए, सरकार से महिलाएं भी नाराज हैं, मोदी सरकार बोल रही थी कि हम महिलाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को नौकरियां देंगे, और महिलाएं जो है बोल रही है कि हमें घर में बच्चों को पालने में दिक्कत होती है, खेती के अलावा भी हम मजदूरी करते हैं। कहाँ से आई है मैडम आप? देहरादून, उत्तराखंड। क्यों आई हैं आप? लोग किसान को समर्थन देने के लिए आए हैं। क्यों, किसानों को क्या हो गया, सब कुछ समझ चल रहा है? मैं उत्तर प्रदेश रामपुर जिले से युवा बलापुर में भारतीय किसान संघ बिरट प्रांत रामपुर, किसानों को लेकर जो समस्या है, ना ही तो सरकार किसानों को पूरी तरह से DAP दे पा रही है, ना ही यूरिया दे पा रही है। 2019 में किसानों के लिए मोदी जी ने वादे किए थे, एक तो ट्यूबवेल लगाने के बाद किए थे, वो भी नहीं हो पाए, किसान सम्मान निधि को दुगुना करने का वादा किया था, वो भी अभी नहीं हो पाया, और जो प्रोडक्ट किसान खरीदता है, जो इनपुट खरीदता है, उस पर 18% GST ले जा रही है, उसको ना ही तो अभी तक मुक्त कराए, और जो पुआल है उसे जलाने के लिए मुकदमे कराए जाते हैं, ये गलत है, किसान पूरी तरह गलत कर। क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई करते हैं? क्या कर रहे हैं? BSC फाइनल ले रहा है मेरा मैथ से। किसानी भी करते हैं? जी किसानी करता हूं। अच्छा, नौकरी के लिए आप ट्राई ना कीजिए, कहां किसानी के चक्कर में पड़े? नौकरी सरकार ने छोड़ी कब है? किसान करे तो करेगा, ना ही तो नौकरी छोड़ी सरकार ने पूरी तरह से, गवर्नमेंट आत्मनिर्भर बनी है सर, आत्मनिर्भर बनी है। आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है, कंपटीशन इतना हो चुका है, इतना हाई लेवल कर चुका है गवर्नमेंट ने, बहुत ज्यादा वैकेंसी 4 साल में RB के आए, वो भी अग्निपथ की तरह से आई, 4 साल में वैकेंसी आई, वो भी अग्निपथ वाली आई, उसमें आधे लोग बेचारे फेल हो गए, आधे बेचारे गिर गए, उस दिन बारिश पड़ गई, पूरी तरह से नहीं हो पाया। सरकार नौकरी देने में असफल है पूरी तरह से, ना ही तो नौकरी दे पा रही सही तरीके से, और ना ही किसान को समस्या को दूर कर पा रही है, किसान हर तरफ से दब रहा है, किसान सरकार से बड़े नाराज है लोग, सरकार से बड़े नाराज है लोग। क्यों नाराज है? हम सरकार से इसलिए नाराज हैं कि हम किसानों की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है, आज युवा लाभकारी मूल्य न पाने के कारण अपने गांव को छोड़कर बाहर पलायन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सरकार से अपने लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य लेने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। किसान लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हम लोग जो है सरकार से जो वादे करती है सरकार कि हम उनको दुगनी आय देंगे, उनकी जो मेन प्रोडक्ट है उसका डबल दिलवाएंगे, लेकिन किसानों को ऐसा कोई लाभ होता नजर नहीं आता। सरकार दो लोग देश बेच रहे हैं, दो लोग देश खरीद रहे हैं, बस इसी आधार पे सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है, और सोचिए देश विश्वगुरु बनने की कगार पर है। हमारी बातचीत में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं निधि रतन, कैमरा पर्सन नवीन के साथ, रामलीला ग्राउंड, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।